सो द डेट वॉज 18 दिसंबर 2008। एक न्यूज सामने आती है, इंडिया हैज जस्ट कैंसल्ड पाकिस्तान टूर, जो कि 3 टेस्ट मैच, 5 ODIs और 1 T20 है पर मुश्तमिल था, जिसका रीजन बताया गया 2008 का मुंबई टेरर अटैक, जिसके लिए ब्लेम किया जा रहा था पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप को। For us, it was a 9/11 equivalent. और साथ में स्टेटमेंट में ये भी ऐड किया गया कि इंडिया पाकिस्तान का टूर नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। असल में ये टूर फरवरी 2009 में शेड्यूल था, जिसके लिए सब तैयारियां भी मुकम्मल हो गई थी, टीवी राइट्स बिक चुके थे और पीसीबी 10 स्पोर्ट से $140 मिलियन की डील भी साइन कर चुका था। लेकिन फिर बीसीसीआई ने लास्ट मोमेंट पर इस टूर से इनकार कर दिया। नुकसान बचाने के लिए पीसीबी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से राबता किया और श्रीलंकन टीम उस वक्त पाकिस्तान में टूर के लिए तैयार भी हो गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे हर पाकिस्तानी भुलाना ही चाहेगा। 20 जनवरी 2009 टूर का आगाज होता है ओडीआई सीरीज से, जो कि कराची और लाहौर में खेली जानी थी, जिसके बाद फरवरी में टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला गया नेशनल स्टेडियम कराची में, जो कि बेनतीजा साबित हुआ। ये वही मैच था जिसमें यूनुस खान ने एज अ कैप्टन 313 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पहले टेस्ट मैच के खत्म होते ही दोनों टीमें लाहौर पहुंच गईं, जहां 1 मार्च से सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच शेड्यूल था। मैच नॉर्मल स्टार्ट होता है, पहले 2 दिन का खेल भी मुकम्मल हो जाता है। बैट्समैनों के लिए आइडल पिच, जिसमें श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को 606 रन की लीड दी और जिसके जवाब में पाकिस्तान भी 1 विकेट के नुकसान पर 110 रन बना लेता है। लेकिन फिर मैच के तीसरे दिन यानी 3 मार्च 2009 को जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। सुबह के 8:30 पर श्रीलंकन टीम अपने होटल से गद्दाफी स्टेडियम के लिए रवाना होती है। बस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की 2 गाड़ियां भी साथ थीं। लेकिन जब 8:40 पर बस लाहौर के लिबर्टी चौक में पहुंची तो लिबर्टी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। Not a sign of a policeman anywhere. They had clearly gone, left the scene, and left us to be sitting ducks. None of the attackers were killed or captured at the scene. बस के सामने अचानक से 12 गनमैन नमूदार हुए, जिन्होंने बस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 6 पुलिसमैन और 2 सिविलियंस मारे गए और साथ में 6 श्रीलंकन प्लेयर्स इंक्लूडिंग कुमार संगाकारा जख्मी हो जाते हैं। स्टेडियम उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था। बस ड्राइवर खलील अपनी समझदारी से फौरन बस को स्टेडियम की तरफ ले गए, जिसकी वजह से श्रीलंकन प्लेयर्स की जान बच पाई। इस इंसिडेंट के बाद श्रीलंकन बोर्ड इमीडिएटली टूर को कैंसिल करता है और श्रीलंकन टीम उसी रात वापस कोलंबो पहुंच जाती है। इस इंसिडेंट ने पाकिस्तान की इमेज को इंटरनेशनल फोरम पे शदीद नुकसान पहुंचाया था। वो नेशन जहां 9/11 के बाद हमेशा से सिक्योरिटी कंसर्न्स को हाईलाइट किया जाता था, उसके लिए 2009 का लाहौर अटैक आखिरी कील साबित होता है, जिसका नुकसान पाकिस्तान को ये उठाना पड़ा कि तमाम क्रिकेटिंग नेशंस ने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया। उस साल ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की भी पाकिस्तान में सीरीज शेड्यूल थी, लेकिन उस अटैक के बाद दोनों टीमों ने पाकिस्तान में आने से साफ मना कर दिया और साथ में चैंपियंस ट्रॉफी 2009 जिसे पाकिस्तान ने होस्ट करना था उसे भी साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दिया गया। इसी तरह वर्ल्ड कप 2011 के होस्टिंग राइट्स भी पाकिस्तान के पास मौजूद थे, जिसे एशियन कंट्रीज मिलकर होस्ट कर रही थी। लेकिन उस अटैक के तकरीबन 1 माह बाद अप्रैल में ICC की एक मीटिंग हुई दुबई में, जिसमें पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की मेजबानी से भी हटा दिया गया। इस अटैक ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को खत्म करके रख दिया था। पाकिस्तान अपने होम मैचेस भी अगले कई सालों तक UAE में करवाता रहा। क्रिकेटिंग रेवेन्यू बिल्कुल जीरो हो चुका था और PCB अपने तारीख के बदतरीन क्राइसिस को देख रही थी। वो नेशन जिसके फैंस के लिए क्रिकेट ही सब कुछ था, उनसे 2009 के दहशतगर्दाना हमले ने वो भी छीन लिया था और इसके बाद एक सवाल खड़ा हो गया कि क्या पाकिस्तान फिर कभी इंटरनेशनल क्रिकेट को होस्ट कर पाएगा। पाकिस्तान में T20 लीग को शुरू करने का आइडिया आपका नहीं था। साल 2008 में IPL के फर्स्ट सीजन की मैसी सक्सेस को देखते हुए उस वक्त के चेयरमैन PCB डॉक्टर नसीम अशरफ खुद की T20 लीग PPL यानी पाकिस्तान प्रीमियर लीग को लॉन्च करने का फैसला करते हैं। इस फैसले को उस वक्त काफी पजीराई मिली, लेकिन फिर साल 2008 में जनरल परवेज मुशरफ के रिजाइन के बाद डॉक्टर नसीम अशरफ को भी अपने ओहदे से मुस्ताफी होना पड़ा, जिन्हें परवेज मुशरफ ने चेयरमैन PCB अपॉइंट किया था, जिसके बाद PP की हुकूमत में इजाज़ भट्ट को न्यू चेयरमैन PCB अपॉइंट कर दिया गया। अब इजाज़ भट्ट नसीम अशरफ तो थे नहीं, उन्होंने आते ही इस प्रोजेक्ट को नॉन स्टार्टर कहकर डिसमिस कर दिया, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी लैक ऑफ मनी। डॉक्टर नसीम अशरफ के 2 साला पीरियड में PCB के रिजर्व्स $42 मिलियन से गिरकर सिर्फ $19 मिलियन रह गए थे, जिसकी वजह से इजाज़ भट्ट ने ऐसे तमाम FT प्रोजेक्ट्स को रोक दिया। उसके बाद 2013 में जका अशरफ के पीरियड में दोबारा से इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ, लेकिन वो नजम सेठी ही थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पे दिन रात मेहनत की
और साल 2015 में इसे पाकिस्तान सुपर लीग के नाम से लॉन्च करने का फैसला किया, जो आगे जाके पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड बनने वाला था। पीसीबी पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर काफी कॉन्फिडेंट था और इसके पहले एडिशन के लिए पीसीबी ने 5 फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस करवाई जो सेल होनी थी 10 साल की ओनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट पे। लेकिन जब बारी उनकी ऑक्शन की आई तो उसका रिस्पांस पीसीबी की उम्मीदों से बहुत कम था, जिसमें सिर्फ 7 कंपनीज ने हिस्सा लिया। लेकिन फिर भी पीसीबी ने उस ऑक्शन से $93.5 मिलियन जनरेट किया। पीएसएल का टाइटल स्पॉन्सर बना एचबीएल, जिसने 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए पीसीबी को $5.2 मिलियन पे किए, जिसकी वजह से आज हमें एचबीएल पीएसएल देखने को मिलता है और इसकी बिड में पीएसएल की ग्रोथ के साथ साथ इजाफा होता गया। और फिर साल 2016 आया जिसमें पीएसएल का पहला एडिशन खेला गया, जिसके तमाम मैचेस यूएई में ऑर्गेनाइज करवाए गए, क्योंकि 2009 अटैक के बाद कोई भी फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान में खेलने को तैयार नहीं था। पहले ही एडिशन में पीसीबी ने पीएसएल से $2.6 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि दूसरे सीजन तक ऑलमोस्ट डबल हो चुका था। पीएसएल के तीसरे सीजन यानी 2018 तक पीएसएल की ब्रांड वैल्यू $230 मिलियन तक की हो गई थी। काफी अच्छी ग्रोथ थी पीएसएल जैसी एक इमर्जिंग T20 लीग की। लेकिन सिर्फ पैसे कमाना ही पीएसएल का मकसद नहीं था, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाना भी पीएसएल की सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। इसी बात को जहन में रखते हुए पीएसएल सीजन 2 के तो सभी मैचेस यूएई में ही ऑर्गेनाइज करवाए गए, लेकिन उसका जो फाइनल मैच था वो लाहौर में रखा गया। इस मैच के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने ऑफिशियल्स को प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी की यकीन दहानी दिलाई और इसकी सिक्योरिटी के लिए 10,000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए। इस मैच के बाद ही पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो पाई और साल 2017 में ही वर्ल्ड 11 ने पाकिस्तान का टूर किया, जिसके बाद अब तक सिवाय इंडिया के सभी टेस्ट नेशंस पाकिस्तान का टूर कर चुकी हैं। लेकिन उस टाइम कोटा ग्लैडिएटर्स के तमाम स्टार प्लेयर्स ने पाकिस्तान में आने से साफ मना कर दिया, जिसमें केविन पीटरसन, रायले रूसो और टाइमल मिल्स वगैरह शामिल थे। इसके बाद सीजन 3 में फाइनल के साथ साथ प्ले ऑफ मैचेस भी कराची और लाहौर में शेड्यूल करवाए गए और इस बार हर मैच के लिए फॉरेन प्लेयर्स को पीसीबी ने एक्स्ट्रा $10,000 पर मैच पे किए, जिसके बाद नोटेबल प्लेयर्स पाकिस्तान में पीएसएल खेलने को तैयार हो गए और पीसीबी ने उन तमाम मैचेस को अपने होम ग्राउंड्स में सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज भी करवाया। इसके बाद सीजन 4 के आखिरी 8 मैचेस और फिर साल 2020 वो साल बना जब पूरा पीएसएल ही पाकिस्तान में सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया गया। ये पीसीबी की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि कैसे उन्होंने एक स्लो प्रोसेस के साथ प्लेयर्स को फुल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल में मैचेस खिलाए और उनके बोर्ड्स को भी बताया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी को लेके कोई भी थ्रेट मौजूद नहीं है, जिसके बाद पाकिस्तान तकरीबन 6 साल के बाद इंटरनेशनल मैचेस को होस्ट करने लगा। पाकिस्तान सुपर लीग पीसीबी के लिए एक अच्छी खासी सोर्स ऑफ इनकम भी है। पीएसएल से पहले पीसीबी सिर्फ बायलैटरल सीरीज से अर्न करता था, जिसमें टिकट्स की सेल और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आते थे। लेकिन 2009 अटैक के बाद वो भी इनकम ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। जो होम मैचेस यूएई में होते थे उनसे उतना प्रॉफिट अर्न नहीं होता था, जिसकी वजह से पीसीबी फाइनेंशियली काफी सफर कर रहा था। पीएसएल के शुरू होने से पीसीबी की अर्निंग में 60% से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। लास्ट ईयर पीएसएल 8 से पीसीबी ने मोर देन 5 बिलियन यानी 500 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट अर्न किया है, जो कि पीएसएल 7 में महज 200 करोड़ था। नो डाउट पाकिस्तान सुपर लीग ने पाकिस्तान क्रिकेट को चेंज करके रख दिया है। इस लीग से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए लातादाद यंग टैलेंट उभर कर सामने आया एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो नेशन जिसके सामने 2009 के दहशतगर्दाना हमले के बाद एक सवालिया निशान खड़ा हो गया था, वहाँ पीएसएल की बदौलत ही पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो पाई और पीएसएल ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज और कल्चर को प्रमोट किया।